हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। सो दोस्तों, आज जो है आज मैं आप लोगों को जो है स्कार्फ होल्डिंग का काम दिखाता हूँ। स्कार्फ होल्डिंग जो है सऊदी में जो है सकाले का काम कैसे होता है, तो आप लोग जो है देखें जो है स्कार्फ होल्डिंग कैसे बनता है, कैसे खोला जाता है और स्कार्फ होल्डिंग में क्या क्या जो है लगता है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग देख सकते हैं जो ये मैं जिस ये जो जो ये लगा हुआ है, जो इसको ये जो मैंने पकड़ रखा है इसको बोलते हैं लेजर। ये जो है 1 मीटर 81 सेंटी का होता है। और जो है हम मूद की बात करें, स्टड की बात करें, तो वो 3 मीटर की रहती है, 2.5 मीटर की भी होती है, 2 मीटर की भी होती है, 1.5 मीटर की भी होती है, 1 मीटर की भी होती है, बहुत सारी है। ऐसे ही लेजरों में भी है जो है लेजर 60 सेंटी से लेके 2 मीटर 44 सेंटी तक होता है। तो दोस्तों जो है बहुत सारे लोग हैं जो स्कार्फ होल्डिंग में इंटरव्यू देते हैं स्कार्फ होल्डिंग का, तो पास नहीं होते हैं। तो मैं आज उन लोगों को बताऊंगा कि स्कार्फ होल्डिंग में अगर आप लोगों को आना है तो स्कार्फ होल्डिंग में सबसे पहले क्या लगता है और कैसे काम होता है। मैं एक एक बारीकी वाली जानकारी आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों जो है स्कार्फ होल्डिंग जो है, कभी भी अगर आप लोग स्कार्फ होल्डिंग में आ रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो, तो आप लोग को हमेशा कोशिश ये करोगी जब स्कार्फ होल्डिंग का इंटरव्यू दो तो वो बोलेगा कि जो है सकाला बनाओ, मतलब स्कार्फ होल्डिंग बनाओ। तो कोशिश ये करोगी जब भी स्कार्फ होल्डिंग बनाओ तो स्कार्फ होल्डिंग बनाने से पहले जो है, मान लो कि अगर आप 4 लेजर का जो है 4 मतलब स्टड का जो है सकाला बनाते हैं, तो कोशिश ये करोगी जो है सबसे पहले जो है नीचे जो है 4 जेग डालो। उसके बाद जो है उस पर जो है स्टड खड़ा करो। स्टड खड़ा करने के बाद जो है उसमें लेजर डालो, जिस हिसाब से मान लो आपकी दीवार जिस हिसाब से रहे उस हिसाब का लेजर जो है डालो। ज़्यादातर तो जो है सकाले में जो है यही होता है और रहती है जो है बहुत सारे इसमें क्लिप्स होते हैं, राउंड क्लिप्स है जो है, फिक्स क्लिप है और जो है फट्टे वाली क्लिप है, ये सारी चीज़ें होती हैं। पाइप में लगाने वाला जो होता है वो राउंड क्लिप होता है। राउंड क्लिप जो है ज़्यादातर पाइप में लगाने के काम आता है। पाइप अगर आपको मान लो कि जो है आपका जो है इसका फोल्डिंग में उस जगह पे लेजर नहीं पहुंच पा रहा है, तो जो है पाइप जोड़ के जो है उस राउंड क्लिप को जो है बढ़ाया जा सकता है। घूमने वाली भी जो है क्लिप होती है उसको राउंड क्लिप बोलते हैं। एक जो है फिक्स क्लिप होती है वो एक ही जगह पे रहती है, वो घूमती नहीं किधर भी। तो दोस्तों जो है आप लोग देख सकते हैं, ये जो है अगर पटरे की बात करें, पटरा जो है 4 मीटर 4.5 मीटर का 5 मीटर तक का जो है पटरा होता है। और ये वजन की बात करें तो वजन तो मुझे नहीं पता जो है, खासकर जो है इसका फोल्डिंग का एक कप होता है, देखिए जिसमें एक कप में जो है ये लेजर लगा रहता है। उसके वेट की बात करें तो जो है कहते हैं कि ये कप जो है 5 टन मतलब 50 क्विंटल तक का वजन जो है रोक सकता है। उसकी गारंटी होती है कि 5 टन जो है एक कप जो है वजन रोक सकता है। कभी भी शटरिंग जैसे सऊदी में देखे होंगे, बहुत सारे लोग जो इधर हैं उनको पता होगा कि जब शटरिंग होती है तो इसी कप के ऊपर होती है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा के रखना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुली इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता हूँ। सो दोस्तों चलो फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।